हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2013 में आई एक हॉरर कॉमेडी मूवी को, जिसका नाम है हेल बेबी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉन्टेड हाउस दिखाया जाता है, जहां पर एक कपल रहने आते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम जैक और वाइफ का नाम वेनेसा होता है। वेनेसा प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती, तो जैक इसे अपने गोद में उठाकर इसे घर के अंदर लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस घर के विंडो पर कोई डरावनी लेडी होती है, जो जैक और वेनेसा को देख रही थी, लेकिन ये लोग इसे नहीं देख पाते। रात के समय में जब ये लोग अपने घर में सामान को सेट कर रहे थे, तब जैक को इस घर में एक लैंप मिलता है। जैक जैसे ही लैंप को छूता है तो उसे शॉक लगता है। तभी इनके घर के विंडो पर कोई आदमी आता है, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। ये आदमी घर के अंदर आता है, जिसे देखकर वेनेसा जैक के पीछे छिप जाती है। जैक जब इस आदमी से बात करता है, तब इन्हें पता चलता है कि ये आदमी इनका पड़ोसी है, जिसका नाम रेशनल है। रेशनल इन्हें यहाँ पर चेक करने आया था कि ये यहाँ पर ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये घर एक भूतिया घर है। लेकिन ये बात जैक और वेनेसा को पता नहीं होती। रेशनल इनसे यहाँ पर अलर्ट होकर रहने के लिए कहता है, और कहता है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो ये उसे कॉल करके बुला सकते हैं। ये कहकर रेशनल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दो आदमी को देखते हैं, जो कि वर्कआउट कर रहे थे। इसमें एक का नाम सेबेस्टियन और दूसरे का नाम पेट्रिगो होता है। ये दोनों ही एक चर्च के फादर हैं। इसके बाद हम जैक और वेनेसा को देखते हैं। वेनेसा यहाँ पर शावर ले रही थी और जैक ब्रश कर रहा था। एक सीन में हम वेनेसा को देखते हैं, लेकिन दूसरे सीन में हमें वही बूढ़ी लेडी दिखाई देती है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। जैक जब यहाँ पर चेक करने आता है, तब इसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद हम वेनेसा को देखते हैं, जो कि किसी शार्प चीज से अपनी उंगलियों को साफ कर रही थी। इसकी उंगलियों में ब्लड लगा था, लेकिन वेनेसा को इसकी फिक्र नहीं होती, बल्कि ये काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी ही उंगलियों को चाटने लगती है। उधर हम जैक को देखते हैं, जो कि फिर से उस लैंप को ठीक कर रहा था, लेकिन फिर से इसे शॉक लगता है। तभी यहाँ पर वेनेसा आती है, जो जैक को आइस टी देती है और कहती है कि कल रात इसकी सिस्टर यहाँ पर आने वाली है और वो घर की शांति के लिए कोई रिचुअल करने वाली है। जैक चाय पीता है, लेकिन ग्लास में चाय नहीं बल्कि पेंट थिनर होता है, जिस पर वेनेसा कहती है कि सॉरी बेबी, मेरी गलती की वजह से मैं तुम्हें चाय नहीं दे पाई। ये कहकर वेनेसा यहाँ से चली जाती है। जैक को अपनी वाइफ का ये व्यवहार काफी ज्यादा अजीब लगता है, जिसकी वजह से इसे यकीन होने लगता है कि ये घर सच में भूतिया घर है। जैक ये सब सोच ही रहा था कि तभी रेशनल यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जैक डर जाता है। जैक यहाँ पहले से ही परेशान था कि तभी रेशनल भी यहाँ पर आकर इसे डरा देता है। ये दोनों यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इस घर में इनके साथ में क्या क्या हो रहा है। रेशनल यहाँ से चला जाता है और जैक एक दूसरे कमरे में आता है, जहाँ पर इसे एक बॉक्स मिलता है। जैक को इस बॉक्स के अंदर एक बुक मिलती है, जिसे देखकर ये चुपचाप सोने चला जाता है। जैक यहाँ पर सो रहा था कि तभी इसके बेड पर कोई आता है, जो जैक को ब्लैंकेट के अंदर ही प्लेजर देने लगता है। जैक को लगता है कि शायद ये इसकी वाइफ वेनेसा है, लेकिन जैक देखता है कि ये वेनेसा नहीं है, बल्कि ये वही डरावनी लेडी है जो इन्हें विंडो से देख रही थी। जैक इस लेडी से बचने के लिए इस पर फायर एक्सटेंशन से हमला करता है और वो बूढ़ी लेडी बेड पर गिर जाती है। इनकी आवाज सुनकर वेनेसा भी यहाँ पर आ जाती है। इन्हें यहाँ पता चलता है कि ये लेडी तो मर चुकी है, जिसे जैक ने मारा है। ये पुलिस से बचने के लिए इस लेडी की बॉडी को अपने बैकयार्ड में दफना देते हैं। जैक यहाँ देखता है कि वेनेसा एक डॉग से अजीब लैंग्वेज में बात करती है। इसके बाद ये सीन यहाँ से कट होता है और अगली सुबह हम जैक और वेनेसा को देखते हैं, जो कि डॉक्टर के पास वेनेसा की रूटीन चेकअप कराने आए थे, लेकिन क्लिनिक का डॉक्टर यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें डॉक्टर का थोड़ा इंतजार करना होता है। डॉक्टर यहाँ आते हैं और ये देर से आने के लिए जैक और वेनेसा से माफी मांगते हैं। तभी रेशनल जैक को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारे घर पर पुलिस आई है, जो तुमसे मिलना चाहती है। जैक रेशनल से कहता है कि तुम किसी तरह से पुलिस को मेरे घर से बाहर भेज दो, मैं घर आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फोन पर बात कर रहा था तब डॉक्टर वेनेसा को अपने क्लिनिक में चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं। कुछ ही समय में जैक देखता है कि इसकी वाइफ अपना चेकअप करा के वापस आ रही है और ये डॉक्टर को थैंक्स भी बोलती है। वेनेसा जैक
के पास आती है और इसे घर चलने को बोलती है, लेकिन जैक कहता है कि तुम रुको, मुझे डॉक्टर से थोड़ा बात करनी है और उन्हें थैंक्स भी बोलना है। ये कहकर जैक क्लिनिक की तरफ जाने लगता है, लेकिन वैनेसा यहाँ खड़े होकर जैक को वहाँ जाने से मना करती है। जैक जब इसकी बात नहीं मानता तो ये रोने लगती है। जैक को दरवाजा खोलने पर हम देखते हैं कि वैनेसा ने उस डॉक्टर को बुरी तरह से मार दिया है और उसकी बॉडी को दीवार पर टांग दी है। जैक वैनेसा को रोता देखकर ये क्लिनिक के अंदर बिना देखे ही दरवाजे को बंद कर देता है। जैक जब घर पर आता है तब इसे वही पुलिस वाले मिलते हैं जो इसके घर पर आए थे। ये ऑफिसर बताते हैं कि एक लेडी आपको थैंक्स बोलने आई है क्योंकि आप लोगों की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई है। जैक जब उस लेडी को देखता है तो ये वही लेडी थी जिसे जैक ने कल रात मारा था। ये लेडी जैक को थैंक्स बोलती है और उसके गले भी लगती है। इसके बाद ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। जैक और वैनेसा घर के अंदर आते हैं और सब कुछ ठीक होने पर ये सेलिब्रेट करते हैं। उधर वही ऑफिसर डॉक्टर के क्लिनिक पर भी जाते हैं और ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पर फादर सेबेस्टियन और पेट्रिगो भी आते हैं। ये दोनों डॉक्टर की डेड बॉडी को देखकर कहते हैं कि डॉक्टर को किसी इंसान ने नहीं मारा है, बल्कि ये काम किसी सुपर नेचुरल एनर्जी ने किया है। इसके बाद ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में आकर डिनर करते हैं और ये डिनर करते समय सुपर नेचुरल एनर्जी के बारे में बात भी करते हैं। उधर हम वैनेसा के कमरे में किसी डॉग की भौंकने की आवाज सुनते हैं। जैक जब यहाँ पर चेक करने आता है तब ये देखता है कि डॉग की आवाज तो इसकी वाइफ वैनेसा ही निकाल रही है। अगले दिन वैनेसा किचन में आकर कच्चा मांस खाती है। जैक यहाँ आता है और ये कल रात के समय हुई इंसिडेंट को लेकर ये उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन वैनेसा कहती है कि नहीं, ये डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, और ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। तभी घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए जैक उसी कमरे में जाता है जहाँ पर इसे वो बॉक्स मिला था। रेशनल भी यहाँ पर आ गया था जिसे देखकर जैक डर जाता है। ये दोनों यहाँ पर बात करते हैं तो जैक रेशनल से डॉग के बारे में पूछता है। रेशनल बताता है कि वो डॉग एक घोस्ट डॉग है और तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। रेशनल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इसने आज तक उस डॉग को कभी भी नहीं देखा था। रेशनल यहाँ एक बुक के बारे में भी बात करता है। दरअसल ये वही बुक होती है जिसे जैक ने बॉक्स के अंदर देखा था। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ पर डिनर करते हैं। रेस्टोरेंट से जैक अपने घर पर आता है। घर आने पर जैक को वॉशरूम में कुछ आवाज सुनाई देती है। जैक जब यहाँ पर चेक करने आता है तब इसे पता चलता है कि यहाँ वैनेसा की सिस्टर मार्जरी होती है। इसके बाद जैक, वैनेसा, मार्जरी और रेशनल यहाँ पर एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं। इनके साथ एक इलेक्ट्रीशियन भी होता है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने आया था। रिचुअल करते समय इनके घर की सारी चीजें हिलने लगती है जिसकी वजह से ये सभी भाग कर घर से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल होता है। इसका मतलब कि भूकंप केवल इनके घर के अंदर ही आया था। इलेक्ट्रीशियन यहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सभी लोग रेशनल के घर पर आते हैं और यहीं पर खाना खाते हैं। तभी यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और ये उस डॉक्टर की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये जैक और वैनेसा के पास इसलिए आए थे क्योंकि उस दिन डॉक्टर का पहला और लास्ट अपॉइंटमेंट जैक और वैनेसा के साथ ही था, इसलिए ये इनसे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जैक और वैनेसा ऑफिसर से कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए ये ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऑफिसर को अभी भी उनके ऊपर शक था और ऑफिसर ये बात फादर पेट्रिगो को भी बताते हैं। यहाँ पर पेट्रिगो और सेबेस्टियन जैक के घर की तलाशी लेने आए थे, जिसकी वजह से इन्हें जैक के घर में एक बुक मिलती है। इसके साथ ही ये कुछ डॉग के फोटोज भी दिखाते हैं। इस बुक पर जो लेडी थी वो बिल्कुल वैनेसा की तरह ही दिख रही थी। इसी समय सेबेस्टियन के कार पर एक क्रो आकर गिरता है। क्रो के शरीर पर एक सिग्नल बना था जिसे देखकर पेट्रिगो और सेबेस्टियन समझ जाते हैं कि जरूर इस घर में कोई बुरी आत्मा है। इसी रात जैक, मार्जरी और रेशनल को वैनेसा के कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। जब ये वैनेसा के कमरे में चेक करने आते हैं तब ये देखते हैं कि वैनेसा बेड पर नहीं है और ये उसे ढूंढते हैं, लेकिन तभी वैनेसा जैक का पैर पकड़कर उसे बेड के अंदर खींच लेती है। वैनेसा जैक को खाने की कोशिश करती है लेकिन जैक किसी तरह से खुद को बचा लेता है। ये लोग देखते हैं कि वैनेसा हवा में उड़ते हुए जोर जोर से हंस रही है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये सभी पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। कुछ ही समय में पुलिस यहाँ पर आ जाती है और उनके साथ फादर पेट्रिगो और सेबेस्टियन भी यहाँ पर आते हैं। पेट्रिगो और सेबेस्टियन उस नेगेटिव एनर्जी को किसी तरह से कंट्रोल करते हैं और ये वैनेसा को बेड पर बांध देते हैं। यहाँ पर वैनेसा को प्रेगनेंसी पेन होने लगता है, मतलब कि वैनेसा अब अपने
बच्चे को जन्म देने वाली थी। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, जिसकी वजह से वेनेसा की सिस्टर मार्जरी ही वेनेसा के बच्चे की डिलीवरी करती है। जैक और वेनेसा अपने बच्चे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी वेनेसा को दोबारा से प्रेगनेंसी पेन होना शुरू होता है और इन्हें किसी मॉन्स्टर बेबी की आवाज सुनाई देती है। मार्जरी फिर से वेनेसा की डिलीवरी करने जाती है, लेकिन ये उस मॉन्स्टर बेबी को देखकर ही डर जाती है। लेकिन जैक वेनेसा को इस तरह से चिल्लाते हुए नहीं देख पाता, तो ये खुद ही डिलीवरी कराने के लिए आगे आता है। जैक उस मॉन्स्टर बेबी को बाहर निकाल देता है। जैक इस मॉन्स्टर बेबी को गोद में लेता है, लेकिन ये बेबी जैक पर अटैक कर देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वो बेबी यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ मौजूद सभी लोग उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो बेबी एक ऑफिसर पर हमला कर देता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर अपने साथी को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर शूट करता है, लेकिन गोली उसके साथी पर लग जाती है और वो मारा जाता है। इसके बाद मार्जरी रेसनर से कहती है कि तुम पहले वाले बेबी को घर के बाहर लेकर जाओ, लेकिन तभी मॉन्स्टर बेबी मार्जरी के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। मॉन्स्टर बेबी फादर पेट्रिको पर भी हमला करके उन्हें मार देता है। ये सब देखकर जैक घर में मौजूद उसी लैंप से मॉन्स्टर को मारता है जो लैंप इसके घर में मिला था, और उस लैंप से ये मॉन्स्टर बेबी यहाँ पर मारा जाता है। अगली सुबह ये सभी घर के बाहर बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ जैक वेनेसा से उस बुक के बारे में पूछता है। तो वेनेसा बताती है कि इसकी मॉम एक पोर्न स्टार थी और रेशनल मार्जरी की मौत से काफी ज्यादा सैड था, जिस पर फादर सेबेस्टियन उनसे कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ भूलकर अब एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इसी समय वेनेसा अपने बच्चे का नाम सेबेस्टियन रेशनल रख देती है और ये सभी यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। फादर सेबेस्टियन यहाँ से चले जाते हैं। रेशनल बात करते हुए रोड पर आ जाता है, तो इसे एक कार उड़ा देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।